सर्वभाषा सरस्वती। इस बार हम विशेष रूप से द्वितीय वर्ष में भारतीय भाषा परिवार उत्सव बना रहे हैं। भारतीय भाषाएं अलग अलग नहीं हैं, ये अलग अलग दिखती हैं, लेकिन मूल रूप से वो एक है, एक भाव से है, एक भारतीयता के ओर हमें लेके जाते हैं। सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं, कोई भाषा चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, मलयालम हो, गुजराती हो, आसामी हो, या उड़ीसा या बंगाली या हिंदी, कोई भाषा अपने आप से दूसरी भाषा से अवर नहीं है। सभी भाषाएं श्रेष्ठ भाषाएं हैं, उनके साहित्य श्रेष्ठ हैं और उनके भारत बनाने में जो बहुत बड़ा योगदान है वो बहुत बड़ी बात बड़ी है। इसलिए आज हम अपनी मातृभाषा के साथ सभी भारतीय भाषाओं को हम सम्मानित करेंगे। सभी भाषाओं को जोड़ने वाली जो संस्कृत भाषा है वो सर्वभाषा सरस्वती है। जैसे सरस्वती प्रकट नहीं होती, प्रकट अन्य नदियां होती है लेकिन सरस्वती गुप्तगामिनी होती है, वैसे ही सभी भाषाओं में सरस्वती के रूप में गुप्तगामिनी संस्कृत है। संस्कृत के आधार पर सभी भाषाएं भारतीय भाषाएं जुड़ गई हैं। आज भारतीय भाषाओं को तोड़ना नहीं है, भारतीय भाषाओं को अलग अलग नहीं करना है, भाषाओं के आधार पर भारत को अलग अलग नहीं बनाना है, भाषाओं के आधार पर भारत को अखंड बनाएंगे। वो ऐसे जैसे मलयालम भाषिक आज केवल केरल में नहीं रहते हैं, भारत के सभी जगह में सभी भाषिक लोग व्याप्त हैं। हिंदी भाषिक दक्षिण राज्य के जो प्रदेश है उसमें काफ़ी संख्या में है, वैसे ही उत्तर भारत में बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे नगरों में, गाँव में भी दक्षिण भारतीय अनेक परिवार रहते हैं। भारत अपने आप में एक नाना भाषिक एक परिसर है। भाषाएं देश को तोड़ता नहीं है अपितु जोड़ते। इस दृष्टि से भारतीय भाषा परिवार को एक मानकर भारतीय भाषा उत्सव मनाने का संकल्प सुब्रह्मण्य भारती के जन्म दिवस पर, जयंती दिवस पर हम मना रहे हैं। दिसंबर 11th एकादश दिनांक में हम सब मिलकर भारतीय भाषा उत्सव मनाएंगे। विशेष रूप से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाना परिसर अनेक राज्यों में अनेक भाषिक छात्रों के द्वारा निर्मित है। हर एक परिसर में हर एक राज्य के कम से कम एक दो तीन छात्र तो रहते हैं, इसलिए हमारा एक एक परिसर भी एक छोटा भारत है, वहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इस बार हम एक नया संकल्प के साथ जा रहे हैं जिसमें भाषा, वेशभूषा, उन भाषा के संस्कृति को प्रकट करने वाला आहार पद्धति, ज्ञान परंपरा और कला परंपरा, इन पांचों को लेकर हमारे छात्र एक विशिष्ट कार्यक्रम छात्र करेंगे। सभी परिसरों में इस तरह का बहुत बड़े पैमाने पे भारतीय भाषा उत्सव मनाया जाएगा, उस पर सबको मैं स्वागत करता हूँ, सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। जय तो भारती, जय तो भारतम। धन्यवाद।